चीफ जस्टिस ने अब डायरेक्टली डिटेल्स मांगे हैं सीबीआई से। सीबीआई खुद कोर्ट को बताएं कि एग्जैक्टली क्या प्रोग्रेस हुआ है उन्नाव रेप केस में, और जो एक्सीडेंट जो हुआ जिसमें विक्टिम उस एक्सीडेंट में थी, अब वो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में है। तो चीफ जस्टिस ने खुद सीबीआई से डिटेल मांगी है, कहा है कि जो भी रिस्पॉन्सिबल सीबीआई ऑफिसर है वो कोर्ट में आके खुद बताएगा कि क्या एग्जैक्टली प्रोग्रेस रहा है इस इन्वेस्टिगेशन में, और जो अभी जो हादसा हुआ, एक्सीडेंट जो हुआ है जिसे एक तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि शायद ये मर्डर भी हो सकता है। तो सीबीआई जो है ऑलरेडी इंक्वायरी कर रही है इस केस के अंदर, और अब खुद बताएगी चीफ जस्टिस को कि लेटेस्ट प्रोग्रेस क्या है। चीफ जस्टिस ने ये भी कहा है कि इस केस को जो है दिल्ली ट्रांसफर किया जाएगा। ये एक प्रमुख मांग थी विक्टिम और विक्टिम के परिवार की। दरअसल 12 जुलाई को विक्टिम ने और उनके परिवार ने एक खत लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके परिवार पे खूब दबाव डाला जा रहा है, उन्हें फिजिकल थ्रेट दिए जा रहे हैं अक्यूज के द्वारा। सिंगर जो हैं, जो बीजेपी के एमएलए हैं, जेल में हैं, लेकिन उनका कहना है कि अब भी काफ़ी इन्फ्लुएंस है, दबदबा है उनका, और वो और उनके दोस्त और उनके परिवार जो हैं विक्टिम के परिवार को धमका रहे हैं। और उसके बाद ये 28 तारीख को जिस गाड़ी में विक्टिम खुद ट्रैवल कर रही थी अपने दो रिलेटिव के साथ और उनके वकील के साथ, उसका उस पर एक और ट्रक ने आके एक्सीडेंट हुआ जिसमें दो रिलेटिव्स की उनकी मौत भी हुई विक्टिम के फैमिली की। तो मर्डर इंक्वायरी जो है ये बन गई है। सीबीआई जो भी अपडेट लेटेस्ट है वो चीफ जस्टिस को बताएंगे, और उसके बाद चीफ जस्टिस तय करेंगे कि इस केस में आगे क्या रुख रवैया होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से सिद्धार्थ पांडे, गो न्यूज़।